बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। तमाम सियासी मामलात अपनी जगह पे और माशी और समाजी मामलात भी अपनी जगह पे, लेकिन जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे हो रहा है, पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, वो इंतहाई खौफनाक है। आज भी डीआई खान में 25 जवान शहीद हो गए और ये बहुत बड़ी तादाद है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ऐसे सेटल मुल्क में जिसके अंदर अमन हो वहाँ पर इतने जवानों की शहादत हो रही हो, लेकिन सियासी मामलात इतने ज़्यादा बुलंद हैं कि ये शहादतें भी उसके अंदर कहीं दफन हो जाती हैं। मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी तवज्जो देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सियासी जगह और सियासी मुकामात पे भी बैठ के इसके ऊपर बात होनी चाहिए। बहरहाल, क्योंकि ये एक बड़ा वाक़या है और इस वाक़े पे हम एक खसूसी प्रोग्राम भी आने वाले दिनों में करेंगे कि इन मामलात को कैसे समेटा जा सकता है, लेकिन सरदस्त आज के जो सियासी मामलात है उसके ऊपर आते हैं, उस तरफ आते हैं। जरूर हो कि इस अदारे से जहां हम खड़े हैं कम से कम एक ये बात तो कह दी जाए कि नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई थी, ताकि लोगों का जेहन साफ हो और 2024 के इंतखाबात में वो जाएं। कायदे आवाम से जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। जो भी मौके सदर पाकिस्तान ने अपना रेफरेंस में उठाया इस केस के बारे में, उनका सवाल का जवाब हमें चाहिए जरूर। वो जो आज तक दाग है इस इदारा पे, जहाँ ये डिसीजन सुनाया गया है, हम चाहेंगे कि उसको खत्म किया जाए। आज के दिन तारीखी लिहाज से इसलिए अजीब था बल्कि मुनफरद भी था कि आज तीन साबिक वज़ीरे आज़म के मुकदमा चल रहे थे मुख्तलिफ अदालतों में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के की फांसी का केस, उसको कत्ल का केस तो नहीं कहा जा सकता, फांसी का केस जो है वो 45 साल बाद चल रहा है और अदालत ये फैसला करने की कोशिश कर रही है कि क्या उन्हें जुडिशियल मर्डर किया गया था या वाकई वो मुजरिम थे। तो ये केस जो 45 साल बाद खुल रहा है, आज उसकी लाइव हेयरिंग हुई और लोगों ने उसको अपनी आंखों से देखा। जनवरी में इसकी अगली हेयरिंग स्टार्ट होगी और रोजाना की बुनियाद पर होगी और फिर फैसला होगा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ अदलिया ने किया क्या था। दूसरा केस मियां नवाशी साहब का था, साबिक प्राइम मिनिस्टर है, अल अज़ीज़िया केस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था और आज नैब ने मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास मियां नवाज शरीफ के खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं है। इस तरह मियां नवाज शरीफ का तीसरा केस भी वाइंड अप हो गया और उसके बाद वो बाइज्जत बरी होकर अब शायद चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर भी वो बन जाए। लेकिन सवाल अब बहुत बड़ा ये उठाया जा रहा है कि नैब जो माजी में था वो ठीक था या फिर आज का नैब ठीक था, और अगर ये वाकई जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, तो इसका तदारक कौन करेगा, इस पर माफी कौन मांगेगा, ये भी एक सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और तीसरा केस अडयाला जेल में इमरान खान साहब का चल रहा था, साइफर केस, और वो भी ज़ाहिर पेंडिंग हो गया। अब कल भी दो केसेस इमरान खान साहब के खिलाफ चलेंगे। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब के केसेस को ठीक तरीके से एड्रेस ना किया गया और इनके साथ भी वही सलूक हुआ जो मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ था, तो शायद 4-5 साल बाद इन मुकदमात पे भी जिन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन की है उनको माजत करनी पड़े, उन्हें माफी मांगनी पड़े और उस वक्त की अदलिया इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी कर रही होगी। तो ये पाकिस्तान के अंदर हो क्यों रहा है कि हर बार एक सियासतदान उसको इल्जाम पे ठहराया जाता है, उसके खिलाफ मुकदमात बनते हैं, उसे सजा होती है और फिर अगली अदालतें उसी सजा को फिर वापस ले लेती हैं, और जबकि इस के मुकाबले में वो तमाम लोग जो इन मुकदमात के जिम्मेदार हैं उनमें से किसी शख्स को बुला के नहीं पूछा जाता, ना अदलिया से पूछा जाता है, ना उस वक्त के बाकी जिम्मेदारों से पूछा जाता है। तो ये होता क्यों है, ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है, अमर इलियास राणा साहब हमारे सीनियर सहाफी दोस्त हैं, कादर मंदू खैर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँगा, सबसे पहले मेरा ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब एक अच्छी रवायत कायम करते और वो मियां नवाज शरीफ के जो केसेज हैं उनके बेनिफिशरी ना होते तो आज सूरत मुख्तलिफ होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए इस तरह यह कि मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस बने थे उन केसेस का ताल्लुक किसी उससे नहीं था। ये एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने एक चीज अनर्थ की थी और उसके बेसिस पे उन्हीं की हुकूमत के पास एविडेंस को एक मिनट है जी ना, उन्हीं की हुकूमत में सब कुछ होता। अच्छा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये केस वगैरह गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जीआईटी बनाई, उस जीआईटी ने 10 वॉल्यूम की चीजें निकाली।
अब अगर उस 10 वॉल्यूम की चीजों में कुछ चीज नहीं था तो वो जीआईटी क्या कर रही थी? ठीक सवाल है ना, बहुत, बहुत बहुत बड़ा सवाल है। नंबर निगरान जज साहब, अगर कुछ नहीं है ना तो लेट्स उन सारे 10 वॉल्यूम को, उनमें से 9 को तो पब्लिक किए हुए ना, 10वें को पब्लिक कर दें। ठीक है, लेट्स सी के उसमें क्या लिखा हुआ है, और जिन लोगों ने उसके अंदर झूठ लिखा हुआ है उनको पकड़ के टांग दो। ठीक, अगर आज प्रूव हो गया ना कि उसके अंदर कोई नहीं था, और अगर उनके अंदर जो चीजें है वो सच है, तो फिर आज के नायब को पकड़ के टांग दो, क्योंकि इन लोगों ने रिट्रैक्ट कर दिया उस वर्जन से। आपके पास, मेरे पास 10 वॉल्यूम है जो एविडेंस है, और आज मैं कहता हूं कि मेरे पास एविडेंस नहीं है तो मैं झूठ बोल रहा हूं। ठीक है, तो फिर आज के लोगों को टांग दो। इदारा है ना सर जिसने इन्वेस्टिगेशन की है, आज वो इदारा कह रहे जी हमारे पास। देखिए ना, नहीं देखिए एक मिनट, इदारों के हेड बदल गए ना, इदारों के अंदर लोग बदल गए, तो हेड बदलने से चीजें बदल जाती। देखिए बहुत सारी चीजें बदलती है, मैं आपको यहां से आपकी जगह किसी और बंदे को बिठा दूं, आपके पूरा प्रोग्राम बदल जाएगा, जमीन आसमान का, क्योंकि आपकी सोच, आपकी सोच नहीं, आपकी सोच और मेरी सोच में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कह रहा हूं ना, वो जब आईजी बदलने से एफआईआर नहीं बदलती सर, याद सर एक मिनट है जना, एफआईआर नहीं बदलती ना, लेकिन एफआईआर जब आप आ जाते हो जिस बंदे को, मैं कहता हूँ जो बंदा ही नहीं है, तो एफआईआर ऑटोमेटिकली। आपका ख्याल ये है कि अगर एहतसाब करना है तो पुरानी जुडिशी वापस लानी पड़ेगी, देखें पुराने नैब के चेयरमैन वापस लाने पड़ेंगे, नहीं नहीं नहीं, पुरानी एफआईआर वापस लानी पड़ेगी, और पुराने इमरान खान साहब का दौर वापस लाना पड़ेगा। नहीं नहीं, आप दौर मत लाए, कुछ ना लाए, हम ये समझते हैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, हम समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी, और उस वक्त के जो एविडेंस था वो था ही नहीं, और वो गलत एविडेंस पेश किया गया। उस गलत एविडेंस के ऊपर, जो गलत एविडेंस हुआ था उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने, या हाई कोर्ट थी उन्होंने गलत डिसीजन लिए। ठीक है, एग्रीड, ठीक है। तो इसका मतलब ये था, एहतसाब अदालत ने गलत डिसीजन लिया, जो भी ना उसने एहतसाब अदालत ने, जिसने भी अदालत ने गलत डिसीजन लिया, ऊपर एक निगरान जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो भी है ना, उन सबको छोड़ देना। मैं ये पूछता हूं कि हम लेट्स टॉक अबाउट दैट एविडेंस, कि क्या एविडेंस था। तो जिन लोगों ने वो एविडेंस कलेक्ट किया था, इसका मतलब था वो सारे बेईमान थे। तो आए आज उनको पकड़ के बुलाते कि आपने झूठ क्यों बोला। अब राज साहब देखें, केस तीनों चल रहे हैं और तीनों बड़े अजीबोगरीब हैं, तीन साबक वज़ीरे आज़म हैं, तीनों के खिलाफ तीन मुख्तलिफ अदालतों में दो केसेस ऐसे हैं जिसमें एक पे जजेस साहब ने, सीनियर जजेस जो चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने कहा जी भट्टो को मर्डर किया गया था अदालती, दूसरा मियां नवाज शरीफ अल नैब ने कहा जी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इमरान खान साहब के केस तो अभी ज़ाहिर डिसीजन नहीं हुआ, तो जो जिम्मेदार हैं उनसे कौन पूछेगा? देखें भुट्टो साहब का जो केस है उसमें उस शख्स ने इतराफ़ किया जो नवाज शरीफ के सजा देने वाले बेंच के हेड के ससुर थे। ठीक, कहीं ना कहीं कुछ चलती है ना साथ। उन्होंने कुछ अरसा बाद इफ्तिखार साहब को इंटरव्यू में कहा कि जनाब ये नौकरी हमने भी करनी होती है। अब ये जो साहब थे आसिफ सईद खोसा साहब, इनके लिए आपके इसी प्रोग्राम में मुस्तफा नवाज खोकर ने नाम लिया था कि फखर इमाम साहब ने बिल पेश किया था कि जजों की उम्र बढ़ा दी जाए इनके एक्सटेंशन के लिए, और उसमें लोग जाके अडियाला जेल में नवाज शरीफ से मिले और उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने एक्सटेंशन का किस्सा छेड़ दिया, और जब वो फैसला उनको बामरे मजबूरी पार्लियामेंट के हवाले करना पड़ा तो उन्होंने साफियों को बुलाया, और ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में, ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ कि वो उसी दिन ऑन द रिकॉर्ड आ गई थी, और बाद में वो बड़े तड़पे गए यार मैंने तो वैसे बात की थी, उन्होंने वाने सदर की बिल्डिंग की तरफ इशारा किया, वो जो खलील जिब्रान के फलसफे बेच रहे थे ना, मैं उन साहब की बात कर रहा हूँ कि जी मुझे तो इस बिल्डिंग का भी कहा गया था, आप सौदेबाजी कर रहे थे, आप फैसले तो नहीं ना कर रहे थे, आप तो जुगते मार रहे थे, कहानियां बना रहे थे, क्योंकि ये जो खलील जिब्रान को कोर्ट किया तो ये जुगत ही थी ना, फैसला भी जुगत था। आप मुझे बताएं, ख्वाजा हारिस साहब को ये पूछ लें, वो इमरान खान के भी वकील हैं, हम कहते थे एक वजीर आजम को पहले सजा दिलाई फिर दूसरे को दिलाई, ख्वाजा हारिस ने वो सारे लॉ पॉइंट निकाले थे जो आज फैसले में आ रहे हैं कि भाई कुछ पेपर तो बताओ ना कि जो आपने एविडेंस, ये जो वॉल्यूम 10 है और आखिरी वॉल्यूम जो नहीं खुला उसमें MLAs हैं जिसमें जवाब ही नहीं आया हुआ। ठीक है, और उसका जवाब इन्होंने खुद घड़ा, GIT ने बना के पेश किया, और अब जब हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये एवनफील्ड में मालिक, उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे, नवाज शरीफ नहीं थे ना, उनके दौर में ये फैसला आया था। ठीक है, फैसला बाद में 2018 में, ठीक है, नवाज और अदलिया भी वो थी जो आज नहीं है, ठीक है, जिसके ऊपर आज PTI के दोस्तों को इतराज हो सकता है। आज काजी फायदी साहब जो हिस्ट्री को दुरुस्त करने जा रहे हैं, जैसे भुट्टो साहब का केस, आज उन्होंने कहा कि जनवरी के में इल्तवा नहीं मिलेगा, ठीक है, एतजाज हसन भुट्टो साहब की मार्शल लॉ लगने पर पार्टी छोड़कर निकल गए थे, और अब फिर
वो गायब हो गए वहां से मंदिर से। ये सारे बहादुर होते हैं अपने वक्त के कि जब चैंबर्स की सियासत ठीक चल रही हो। बाबर अवान साहब इस केस के वकील थे, मतलब कहां, मतलब मैं बड़े नाम की बात कर रहा हूं कि ये किस किस्म के करैक्टर हमारे पास आए हुए हैं और बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बाइज्जत लोग हैं, लेकिन ये छोटे क्यों साबित होते हैं वक्त पे। ये अताब उमर अताब अंदयाल साहब, जस्टिस गुलजार साहब और जस्टिस साकिब निसार साहब, जो तीनों चीफ जस्टिस थे, इन्होंने फायदीसा का फैसला किया था कि इससे निकालना है। फौज को साथ मिलाया, इमरान को साथ मिलाया और सदर साहब को मिलाया और रेफरेंस दिया, क्योंकि वो जो आज काम ये हो रहा है ना, वो इनको पता था कि वो हमारे उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है जो तसलसल पॉलिसियों का लेके चलेगा। मेरी जस्टिस एजाजुल अहसन साहब से रिक्वेस्ट जरूर होगी आपके प्रोग्राम के तवसत से कि सर आपने जेआईटी की निगरानी की थी, आपका फैसला हाईकोर्ट ने उठाया, ठीक है, आपको बोलना चाहिए। बोलना तो चाहिए वैसे उनको, और उनसे पूछना भी, वो अपने चीफ जस्टिस पे खत लिख रहे हैं, जवाब उन पे लिख रहे हैं, ये खत भी लिख देना है, उन्हें अमर फारूक साहब को भी लिखना चाहिए, उन्हें सबको लिखना चाहिए कि भाई ये उस वक्त वो अगर चौधरी कमर जमान साहब को धमकी दे रहे थे कि अगर नैब ने इन्वेस्टिगेशन के लिए खोला ना फीता तो तौहीन अदालत में अंदर कर देंगे आपको और नौकरी भी जाएगी, तो उस वक्त नैब को इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करने दी। मधुखिल साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, ब्रेक लेनी है, कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब का केस खुल रहा है और मेरा ख्याल है एक तारीखी केस होगा, और अगर इसमें अदालत अपना अपनी गलती मान लेती है तो उसके बाद मेरा ख्याल है शायद कोर्ट साहब वाकई पाकिस्तान के अंदर बदल जाए। आपको तवक्को है कि अदालत इतना बोल्ड फैसला कर सकेगी? छोटी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मधुखिल साहब, ये वैसे आज का दिन वाकई तारीखी था कि भुट्टो साहब का केस अब खुल गया है, जनवरी में ज़ाहिर रुसाना की बुनियाद पे इसकी हेयरिंग होगी और अगर अदालत माजी के मामलात को दुरुस्त कर लेती है, वो तस्लीम करती है कि अदालत ने ज्यादती की थी और अपने सीनियर जजेस को, जो इस वक्त ज़ाहिर उसमें से कुछ फौत भी हो गए हैं, और उन सबको वाकई जुर्मवार करार दे देती है, तो ये बहुत बड़ा फैसला होगा। लेकिन क्या आपको तवक्को है कि अदालत इतना बड़ा फैसला कर सकेगी? जावेद चौधरी साहब, मैं थोड़ा सा आपसे अलग सोचता हूं, मैं कोई तारीखी दिन नहीं कहूंगा, ठीक, मैं आज के दिन को शर्मनाक दिन कहूंगा कि माजी में ऐसे शर्मनाक फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से जो कि आज उसको सुनने पड़ रहे हैं। 45 साल शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का केस सुना जा रहा है। मैं फिर भी शुक्रगुजार हूं मौजूदा चीफ जस्टिस की, माजी वालों ने तो कोई बाबा डैम था, कोई क्या था, क्या हो रहा था, अब हम तो अपनी आंखों से देख रहे थे। दूसरी बात यह कि अब इन तीनों केस को भी थोड़ा सा आप बाइफरकेट कर दे, अलग कर दे। क्या शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का केस को आप नवाज शरीफ साहब के केस से मिला सकते हो? शरीफ सल्फकार अली भुट्टो ने फांसी कबूल की है, इस दुनिया से अलग हो गए, नवाज शरीफ तो भाग गए थे ना, आप उस केस को कैसे मिला सकते हो शहीद जुल्फकार अली? इमरान खान साहब जेल में बैठे हुए ना, तो आप इमरान खान साहब के केस को और भुट्टो साहब के केस को नवाज शरीफ साहब केस पे कंपेयर करके आप तारीख मसख न कर रहे, बल्कि मैं पूछना चाह रहा हूं आप उसमें कादर मदरसा से देखें सही सवाल, ये अदालती फैसले हैं सारे, ये हो या वो हो। दूसरा, भुट्टो साहब पे 302 का केस बना था, अगर मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर 302 का केस बन जाता या इमरान खान साहब के ऊपर केस बन जाता और उन्हें भी अदालत अगर फांसी की सजा दे देती और वो भी अगर जेल में रहना पसंद करते या मुल्क से बाहर चले जाते तो फिर सवाल उठाया जा सकता था। ये ठीक है, पाकिस्तान की तारीख के मुझे 30 सालों के प्रैक्टिस करते हुए पाकिस्तान की तारीख में भुट्टो साहब का ऐसे शर्मनाक फैसला है जो खुद जजों को शर्म आ रही थी इस केस को रेफरेंस के तौर पे सुनने का। बकायदा उसमें लिखा हुआ है कि इसको नजीर नहीं बनाया जा सकता है, मतलब नजीर बनाया जाएगा तो एक पार्टी के कायद को पाकिस्तान से दुनिया से फारिग करने का, मगर आप उसको नजीर नहीं बना सकते हो। इससे बड़ी बेशर्मी, इससे बड़ी शर्मनाक केस और क्या हो सकता है? नंबर एक बात। दूसरी बात, आपने सही सवाल उठाया राणा साहब ने, वो जस्टिस इजाजुल हसन साहब किधर चले गए? इस वक्त सीनियर जज है ये, मॉनिटरिंग जज था नवाज शरीफ साहब केस का। और फिर अदालतों को इस बात को भी ख्याल नहीं करना चाहिए कि एक शख्स का केस अगर इतनी सच्चा था जो कि अभी मिनटों में उड़ा दिया है तो उस वक्त इस शख्स को जाने क्यों दिया है? चलो ठीक है, नवाज शरीफ साहब की तो एक फितरतन आदत है कि वो जैसी गर्मी आ जाती है और फौरन जो है वो मैदान से चले जाते हैं और फिर मैदान साफ होते हुए मौसम बदलते हुए वापस आ जाते हैं, वो तो इनका पुराना एक स्टाइल है। लेकिन सवाल मैं ये आपके साथ करना चाह रहा हूं कि इससे पहले मुझे एक बात बताओ, इसी महीने की, पिछले महीने की 5 तारीख का मुलाजमीन की कमेटी में चला रहा था, आप सबको पता है
वहां 400,000 मुलाजमीन को मैंने रेगुलाइज किया है और कमेटी के जरिए जो कि मेरे पास आईनी और कानूनी इख्तियार था। अब कानूनी और आईनी इख्तियार के तहत आईन के आर्टिकल 69 के तहत कोई अदालत इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक सिंगल जज ने सब उड़ा दिया। अब उड़ाने के बाद जब हमने अपील दाखिल की जो कि 20 दिन का टाइम है, नवाज शरीफ साहब 4 साल बाद आ गए, उस 20 दिन में जब मैं कोर्ट चला गया तो खारदार तारे लगी हुई है, पुलिस है, कमांडोज है, इवन की मुद्दई को भी अदालत में आने नहीं दे रहे। तो मैंने जज साहब से सवाल किया कि जनाब मुद्दई अभी बाहर आने नहीं दे रहे, मुख्तलिफ चेक पोस्ट पे जैसे कोई दहशतगर्द आ रहे मुलाजमीन बेचारे जो 40-40 साल से कच्चे मुलाजमीन थे उनको गिरफ्तार किया गया है। आप मुझे बताओ ना, स्टाइल तो देखे ना रियासतदार। उसके बाद जज साहब ने तारीख दिए 23 जनवरी। तो मैंने कहा जनाब अली 23 जनवरी आपने दे दिया है, 10 दिन बाद इलेक्शन हो जाएगा, फिर फायदा क्या आपके पास आने का? मियां नवाज साहब को गलत रिलीफ मिला, लेकिन सवाल फिर वही है कि नैब ने आज अपने आप को सरेंडर कर दिया तीसरी बार, उससे पहले दो केसेस से। अच्छा, नैब अगर सरेंडर करे, कोई एविडेंस नहीं है। चौधरी साहब एक जुमला और कहने दो, केस में भी कर एक जुमला और कहने दो, जब इदारा जिसने इन्वेस्टिगेशन की है वो पीछे हट जाता है तो क्या फिर उस मुलजम को सजा हो सकती है? मुझे जवाब सुन लो। क्या उस इदारे ने जो माजी में किया है या जो भी किया, मैं नहीं कहता हूं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केस सच्चा बना है, अगर वो केस झूठा था क्या उस नैब के अफसरान को जूते नहीं मारने चाहिए? क्या उस नैब अफसरान को बुला के हथकड़ी नहीं लगवा के जेल नहीं भेजना चाहिए? आप मिठाइयां बांट रहे हो, आप तो यह मुतालबा करो कि भाई हमने किस बात की सजा खाई और सजा किधर थी? वो तो चला गया हवाई जहाज में, सजा थोड़ी खाई उसे काटी, मगर नैब के अफसरान को हथकड़ी नहीं लगाना चाहिए? आप दुनिया में 139 नंबर पे हो, हमारे जुडिशियल सिस्टम इन्हीं चीजों की वजह से तो है। अगर आप इसी तरह कर रहे हो, एक शख्स को सजा आपने किए, आप उसको देख रहे थे, आप मॉनिटरिंग जज आपने लगा लिए, 4 साल बाद वो आ गया लाडला, आपने उसको 7 मिनट में बरी कर दिया और लाला खैर सला, अब तो ये क्या इंसाफ है? ये कौन सा कानून है? ये कौन सा मुल्क है? ऐसा कोई उसूल होता है, कोई कानून होता है, कोई कायदा होता है? यहां तो कुछ भी नहीं है, जो मर्जी है आपके करो। मसला ये है कि ये वही तारीखें भी दोहराएगी। कल इमरान खान साहब केस भी, तो आपको इनकी गवर्नमेंट में नहीं बैठना चाहिए था, इनका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। एक सवाल है वैसे, उसके बाद आपको अचानक याद आ गया कि ये तो भाग गए। मैं तो बताइए कि डॉक्टर साहब, मैं तो अदालत की बात कर रहा हूँ, आप रुकिएगा मधुखेल साहब। जी फरमाए मधुखेल साहब, मुकम्मल कर लें आप। जी फरमाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं तो अदालत की बात कर रहा हूं मुकम्मल। नवाज शरीफ साहब ने जो सियासत खेल रहे वो जिस तरह आते हैं और भाग जाते हैं फिर आते हैं, वो एक अपनी तरफ। मैं तो अदालत से सवाल कर रहा हूं कि आपने तो सुप्रीम कोर्ट के एक मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर लिया है, अब वो आपके सारे फैसले 7 मिनट के अंदर उड़ा दिया है, तो आपको खामोश तो नहीं रहना चाहिए, आपको तो ठीक हो। इमरान खान साहब का आज भी केस था और अडियाला जेल के अंदर हो रहा है और आपको फुल रिलीफ दी जा रही है, और आज भी वैसे सारी पार्टीज, वो बिलावल भुट्टो साहब हो या मियां नवाज शरीफ, दोनों कह रहे हैं आज भी लड़ लें, जो आपके साथ सलूक हो रहा है किसी के साथ आज तक नहीं हुआ। भुट्टो साहब को फांसी दे दी, नवाज शरीफ के साथ उनको तो आपके सामने ना एक्सरसाइज की मशीन दी, ना खाना दिया गया, ना क्वाट कमरे दिए गए, और बिलावल भुट्टो साहब भी ये कह रहे हैं। तो इतने लाड़ प्यार के बावजूद आप ये समझ रहे हैं कि आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो कैसे इंसाफ हो? देखिए, सबसे पहले तो अगर जो कह रहे हैं ना कि वो है, जिस तरीके से इमरान खान को रखा गया था पहले अटक में, तो वो तो मियां नवाज शरीफ को भी रखा गया। एक मिनट है जी ना, उसमें अभी भी जो इमरान खान को रखा गया है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो हमें बताया गया, जो उनकी बहन ने भी बताया और बाकी भी है, कि वो कैटेगरी सी में रखा हुआ है। कोई जबर उसमें कोई किसी अकेले रह रहे हैं, ठीक है ना? अकेले तो उनको रखेंगे ना, मेरी बात सुने, अकेले उनको रखेंगे, साइकिल मशीन थी उनको रखेंगे, खाने मर्सी का दिया। दो काम हो सकते हैं ना, या तो बाकी सब लीडरान की तरह वो भी ड्रामे शुरू कर दें और बिस्तर पे लेट जाए और वो क्या कह सकते हैं, इधर उधर चीजें लगा ले और वो करके कह दे कि मैं बीमार हूं। वो बंदा है, वो एक्सरसाइज करता है, वो अपने आप को तंदुरुस्त रखता है ताकि वो वहां पे रहे। पहले मुल्जम है जिनको साइकिल मशीन देगी, एक्सरसाइज मशीन देगी। नहीं देखिए, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी को नहीं मिले, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी मुल्जिम को बाहर भी नहीं जाने दिया, ये जाने दिया। वो आपने जाने दिया ना? नहीं, हुए है ना, प्रेसिडेंट्स रहे ना, तो आपने क्यों भेजा? एक मिनट है ना, उससे पहले के उन लोगों को ये भी क्या आ गया ना कि आपका जो पूरा पिम्स का पूरा फ्लोर को भी बना दिया गया था ना। देखिये आप, ये बास चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं, गलत हो रही हैं, पर हमेशा से हो रही हैं। मेरे ख्याल
लिहाज से तो ये होनी मिलनी चाहिए मेरे लिहाज से। देखिए मेरे लिहाज से जब इमरान खान साहब को आपने उधर रखा था ना ये अटक जेल में और वो चेंज कर रहे थे, उन्होंने कहा मुझे यहाँ से मत हिलाओ, आई एम हैप्पी ओवर हियर, कोई मसला नहीं है, ये 8x8 में मैं जमीन जैसे हो रहा है। दूसरे ये थे कि एक बंदा है वो अब जमीन पे उस जगह पे रहने का आदी हो गया, वो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज फार एज मुझे इतनी जगह दे दो कि एक 30-40 फुट की जगह दे दो या 20 फुट की जगह दे दो जहां मैं थोड़ा सा वॉक कर सकूं। तो ये बाकी सी क्लास मुल्ज़िमों के हक देखिए बाकी बार बार ये कहते थे कि हर एक अपने अपने डिमांड होते ना, किसी को देखिए किसी को एसी चाहिए, किसी को बेड चाहिए, किसी को पाए चाहिए, किसी को इस किस्म की चीजें चाहिए। इमरान खान को एक्सरसाइज चाहिए, वो कहते हैं मुझे एक्सरसाइज चाहिए, सिर्फ एक्सरसाइज किताबें पढ़ने के लिए ना। आपने कहा कि ओपन ट्रायल होना चाहिए, आपने कहा ओपन ट्रायल मिल गया, आपने कहा जर्नलिस्ट होना चाहिए, जर्नलिस्ट हो गए। सुन ले क्या ओपन ट्रायल नहीं होना चाहिए? ओपन ट्रायल हो रहा है, होना नहीं चाहिए, होना चाहिए ना। तो बस यही पूछा तो ना। अच्छा उसके बाद जो वो है क्या उसको वकील के वो नहीं होने चाहिए? तो वकील तो पहले दिन से मिल रहे हैं, तो बस ठीक है आपके 100 वकील मुझे एक मिनट 100 या 200 दैट डजंट मैटर ना। अच्छा इमरान खान को अपने पार्टी लीडरान के साथ कोई मुलाकात की वो नहीं है सिवाय वकीलों के जो उनके तो को नहीं पार्टी वर्कर है ना इसमें वकील देखे ना बाकी लोग भी हैं, बाकी भी मिलना चाहते हैं, उनके साथ नहीं है इजाजत। अच्छा बात इसकी नहीं है, देखिए मुझे एक बात बताए, एक मिनट लेने के लिए मैंने बिल्कुल कहा हुआ जी, ठीक है दरख्वास्त लिखे लिखा हुआ जी। अच्छा इससे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि हर सूबे के अंदर 3 जो करप्शन वाइज है वो 3, या पुलिस या अदलिया नंबर 2 और या फिर कॉन्ट्रैक्ट वाले चीज, ये चीजें सिवाय बलूचिस्तान में जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले 3 नंबर, कॉन्ट्रैक्ट 2 पे है, अदलिया 3 नंबर पे, वो बलूचिस्तान में ना, बाकी सब जगहों पे अदलिया 2 नंबर पे है, ठीक है ठीक है। ये क्यों वजह है? अच्छा इसकी वजह ये है कि जिस मुल्क में वही वाली बात है अदल और इंसाफ नहीं होता उस मुल्क का सिस्टम नहीं चलता, ठीक है ठीक है। और ये चीज़ बड़ी दिलचस्प बात है, मैंने ब्रेक लेनी है, दिलचस्प बात ये है डॉक्टर साहब जो आपका दौर था ना जितने केस आपने बनाए एक भी केस सस्टेन नहीं, एक मिनट है जी ना, मैं एक भी केस सस्टेन नहीं हो सका, यही अदालत थी और आप इंसाफ कायम कर लेते ना। देखिए मेरी बात सुने, इंसाफ मैंने नहीं कायम करना, मेरा गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव का काम है वो एक केस बनाता है और उनको पेश कर देता है, केस सॉलिड होगा तो सजा होगी ना, करें नहीं होगी तो ठीक है फेयर इनफ, नहीं हुई ठीक है अगर नहीं हुई तो नहीं हुई। फिर अमर साहब की तरफ जाना है कि अमर साहब ये तो दोनों साइड पे मंदोखेल साहब का भी है, दूसरा डॉक्टर साहब का भी बयानी है, तो इस दरमियान में रियलिटी क्या है, छोटे से ब्रेक को ब्रेक के द्वारा जरूरत है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद ना सर, ये देखें वैसे इमरान खान साहब के साथ भी ज्यादती हो रही है और पीपल्स पार्टी के साथ भी भुट्टो केस में ज्यादती हो रही है, वैसे मियां साहब को बहुत रिलीफ मिल रहा है। हाँ 7 साल बाद उनको रिलीफ जो मिलना शुरू हुआ है वो बहुत जल्दी मिल रहा है, मतलब ये तो हम कह सकते हैं ना कि जिस तरीके से उनको सदन को सजाएं दिलवाई गई, वो मंदूखेल साहब ठीक कह रहे थे कि उनको जूते मारने चाहिए, ये जेआईटी ने रिपोर्ट बनाई थी, ये नैब ने नहीं बनाई थी और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुपरवाइजर थी और उन्होंने हाई कोर्ट में भी ट्रस्ट नहीं किया था, आप यकीन मान लें कि उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड ये काम किया, जैसे कहा था कि आपने एक केस फॉरवर्ड करना बस सिर्फ अपना फॉरवर्डिंग लेटर लगाएं और चुप करके बैठ जाएं, वो बड़ी मेहमत है उन लोगों को, वो फैसले देख के बुला के, वो सरदार मुजफ्फर अब्बासी थे बरी होने तक मरियम तक और सजा दिलवाने तक एक ही प्रोसिक्यूटर थे, कोई बदले नहीं गए थे। अब जैसे ये कह रहे हैं मुझे अल्लाह ताला किसी को भी मुश्किल में ना डाले, मैंने अटक किले में नवाज शरीफ की हेलीकॉप्टर केस की सजा का फैसला भी सुना हुआ है, वहां वो अटक किले में थे फौज वाले में, वो जेल में नहीं थे, नहीं अटक किले में भी थे फिर अटक जेल में भी, नहीं नहीं मैं पहले बता रहा हूं जहां सजा हुई वो अटक किला था। ये आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदयाल साहब वाली सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आई थी कि देसी घी उसमें मटन और चिकन देसी आपको दिया जाता है मेन्यू अपनी मर्जी के मुताबिक, ये कह रहे थे ना मैं कोई चीज खुद से नहीं बना रहा, उनके लिए बैरक्स पिंडी में तोड़ी गई और उनके लिए रास्ता बनाया गया, कमरा मतलब उनको एक साबिक वजीर आजम के तौर पे जिस तरह प्रोटोकॉल हाई कोर्ट ने लेके दिया था कि एक्स वजीर आजम, वैसे मैं आपको सच्ची बात बताऊं कोई कानून नहीं है, एक्स वजीर आजम रिवायत पे लेते हैं ये, मतलब आप चेक कर लें कोई कानून बना ही नहीं है कि किसी को क्या मिलना चाहिए। अच्छा अब आप आगे ये जो चुके हमारी बहुत लंबी बहस इस पे सारी हुई कि जी ये इमरान खान साहब के साथ ज्यादती तो वाकई हो रही है ना कि एक साबिक वजीर आजम है, लेकिन सारे साबिक वजीर आजम एक भुट्टो साहब
45 साल पहले लटका दिया गया। किस केस में? जिसको बिल्कुल बंदूखेल साहब ठीक कह रहे थे कि आप पीएलडी में रिपोर्ट भी नहीं करते, इस हद तक बेशर्मी थी। लेकिन हमारे यहां को पहली दफा हो रही है और क्या आखिरी दफा हुई है? ये तो सियासतदानों का काम है कि रास्ता बनाए, मिलकर बैठ के। मैं कह रहा हूं आज नवाज शरीफ बरी हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस तरह के रास्ते कभी किसी और वजीर आजम को नहीं दिए कि वो चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए रामवार हो। नाम ले रही है पीपल्स पार्टी भी, नाम ले रही है पीटीआई भी, कि वो चौथी दफा बनने जा रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं। उनको मौका मिलता है तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि जी ना इमरान खान के साथ ज्यादती हो और क्यों हो। इमरान खान का जो इजाफी केस है वो है स्टेट पे हमले का, वो सच्चा है झूठा है वो कभी तो तय होगा ना, है वैसे उसका फैसला होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इस पे ना बहुत बहुत प्रेस रिलीजें आ गई, गप्पे हो गई, आपको कानून के मुताबिक रास्ता क्लियर कराना चाहिए। सजा है, जजा है, जो भी है उसको क्लियर होना चाहिए। कब तक हम इस पे बहस करते रहेंगे जी? 9 मई पक गए ना कान। लेकिन इशू ये है कि फैसला करें। अगर वो लोग गुनाहगार हैं जिनकी वीडियोस हैं, तो चाहे वो उनको आपने दहशतगर्दी की अदालत में चलाना है, सुप्रीम कोर्ट ने चलाएं सही किसी ना किसी जगह उसका फैसला। हम ये कब तक चलाएंगे? ये हमारा मसला बन गया, हमें क्लियर करना होगा। और लेकिन सियासतदानों को पहले इकट्ठे होना होगा, नहीं होगा कुछ नहीं होगा। मधुखेल साहब, वैसे देखिए 6 वज़ीर-ए-आज़म का केस चल रहा है इस वक्त, ज़ुल्फ़िकारी भुट्टो साहब का केस चल रहा है, मियां नवाज़ शरीफ़ साहब का केस चल रहा है, इमरान खान साहब का केस चल रहा है, फिर युसरा गिलानी साहब का केस चल रहा है, फिर राजा परवेज अशरफ साहब का केस चल रहा है, फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब का कर रहा है, जितने जिंदा प्राइम मिनिस्टर हैं सबके केसेस चल रहे हैं। तो आप लोग इकट्ठे बैठ के एक फैसला क्यों नहीं कर लेते कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होगी पाकिस्तान में? हम इकट्ठे बैठने के बजाय सारे जजों को इकट्ठा बैठना चाहिए कि वो किस को इंसाफ दे रहे हैं और क्यों गलत इंसाफ दे रहे हैं, क्यों जुल्म कर रहे हैं, क्यों इस तरह लोगों को झूठे केस में फांसियां चढ़ा रहे हैं, तो वो क्यों इंसाफ नहीं देते हैं? इंसाफ देना तो उनका काम है ना, ये इकट्ठे बैठ जाए ना, ये 15 के 15 जज जो है ना, इनको इंसाफ देना चाहिए। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, मेरे बिल तक पीटीआई के दौर में मंजूर नहीं हुआ, मेरे बिल तक पीडीएम के दौर में मंजूर नहीं हुआ। मेरे बिल ये था कि एक चपरासी की नौकरी के लिए आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, जात नसल जबान पूछते हो, एक हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट क्यों लेते हो? और जब डायरेक्ट लेते हो तो उसका अंजाम ही आपके सामने। तो वैसे तो आपको 18वीं तरमीम में मौका था आपके पास, आप इस सारे सिस्टम को चेंज कर लेते, आपने चेंज करने के बजाय उसको मजीद वर्स बना दिया। कुछ कर भी दिया था और पार्लियामेंट्री कमेटी को पावर किया था, लेकिन फिर गिलानी साहब चौधरी साहब के दबाव में आके नई तरमीम करके 18वीं तरमीम के बाद मेरे बिल है, मेरा बिल जो है ना उसके बाद की बात है। 2000 आपकी बात से ही मैं मुत्तफिक हूं। मैं 97 में खालिद अनवर इस जो मुनीब अख्तर साहब के अजीज हैं, मैं वो लॉ मिनिस्टर थे, उस वक्त से इस काम पे लगा हुआ हूं, अखबार के दौर से, टीवी में, के जो आप चपरासी का कह रहे हैं ना, 12 अप्रैल 1984 का शायद 11 जजों का फैसला है, केपी में एक पीएन को निकाल दिया 11 जजों ने बैठ के कि इश्तिहार क्यों नहीं दिया। भाई आप एडवोकेट भर्ती करें, जज के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में लाएं, हाई कोर्ट में लाएं, आप पब्लिक से नाम पूछें। आधे लोग कहेंगे हमारा नाम ना देना, अगले दिन भी मैं चौधरी साहब को कह रहा था, फिर वो किस्सा उस माई वाला हो जाना है, लोग कहेंगे हमारे नाम नहीं पुकारने आपने, क्योंकि फिर फैसलों के ऊपर खड़ा होना पड़ेगा कि आपने ये कब किस हालत में दिया था। मैं मंदूखेल साहब के मुत्तफिक हूं कि इनकी भी अकाउंटेबिलिटी और अपॉइंटमेंट बड़ी क्लियर होनी चाहिए, लोगों के हाथ में होनी चाहिए, ये लोगों की जिंदगी का फैसला। आजकल जो अकाउंटेबिलिटी है वो खतों के जरिए हो रही है, एक जज साहब खत लिखते हैं, फिर दूसरे जज साहब होता, बल्कि चीफ जज साहब पाकिस्तान का जवाब भी है, उसके बजाय प्रॉपर एहतसाब होना चाहिए, जहां पर जिसकी गलती है उसको सजा होनी चाहिए। क्या ख्याल आपका? मैं तो कह रहा हूं जी, इसमें अब वो जो उन्होंने आज 4.5 दिन का तनख्वाह का बता दिया कि आप 6 दिन काम नहीं करते, लोगों ने जवाबन काजी फैजी साहब से कह दिया कि आप 6 दिन 4 महीने क्यों नहीं काम करते थे, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत ये बहस शुरू हुई है ना माशरे में, एक अच्छी बात है, इसको किसी अंजाम पे जाना चाहिए, अच्छे अंजाम पे जाना चाहिए। कि ये इजाजुल हसन साहब जिस सीनियरिटी को आज ढूंढ रहे हैं, ये साकिब निसार साहब से लेके और उमर अताब बंदयाल तक सब बेंचेस में मौजूद थे। किस सीनियरिटी पे तारिक मसूद कहां थे और ये कहां थे काजी फायजी साहब, उस सीनियरिटी को ये याद ही नहीं करते। ये तो शुक्र पड़े कि आज इस सीनियरिटी का क्वेश्चन उठा सकते हैं, जब काजी साहब ने पार्लियामेंट के उस बिल को जो इन्होंने खुद सस्पेंड किया अक्सरियत का, ये मतलब कमाल हो गया। मुझे वैसे मैं ब्रेक ले रही हूं, मधुखेल साहब सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम है वकला का, ये जजेस का नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज का है। हर पार्टी हर बार अपनी मर्जी के जज ले आती है और जब उनको अपॉइंट कर दिया जाता है फिर वो सीनियर हो जाते हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच जाते हैं और वहां से कंफ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो पार्टीज को भी बड़ा के सिस्टम बनाना चाहिए। छोटे से ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। मनोज खेल साहब, हर सियासी जमात अपनी जो लीगल टीम होती है उन्हीं में से कुछ लोगों को उठा के जज बना देती है, जब वो जज बनाती है वो सीनियर हो जाते हैं, जब सीनियर हो जाते हैं तो फिर वही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो आप अपना बड़ा दिल करके अपना ये इख्तियार कम क्यों नहीं करते, आप एक सिस्टम में आए। देखिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब मैंने ये बिल पेश किया है तो पीटीआई के, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के थे मेरे साथ, तमाम मेंबरान ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि ये बड़ा अच्छा बिल है, मगर दोनों वक्त के वजीर कानून ने इसको डिले टैक्टिक से कहा, मुसरत उन्होंने भी नहीं किया, उसको टालते रहे और असेंबली का टेन्योर खत्म हो गया। तो मेरा सवाल ये है कि आप एक ट्रांसपेरेंट निज़ाम लाने के लिए सबसे पहले तो आप मेरिट बने। क्या गरीब का बच्चा भी सोच सकता है कि मैं वकील बनूं, या ये बड़े जो जो वकील है या रिटायर्ड जज है उनके बांझे भतीजे ही जज बनेंगे, और जब जज बनेंगे या सियासी असर रसूख से बनेंगे, आप सही कह रहे हो, तो उसका अंजाम तो फिर यही होता है ना। अब आप देख ले, मुजाहिर नकवी साहब जस्टिस के खिलाफ करप्शन के केसेस निकले या जो भी जायदाद उसके निकला है, वो आगे से तो किसी कमेटी को मानता ही नहीं है, वो तो आगे से उसने पिटिशन दाखिल किए। आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, और माजी में जस्टिस फैजी साहब के खिलाफ क्या हुआ, जो केसेस होते थे जिस तरह एफबीआर के, ये सारे तो ये एक हमारे मुल्क में, जब तक आप मेरिट को आप नजरअंदाज करेंगे तो आप कभी इंसाफ ले नहीं सकते। हम क्या अपनी गृहबान में नहीं देख रहे कि दुनिया में 139 नंबर पर पाकिस्तान की जुडिशियल सिस्टम है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, क्या इसके लिए काम कर सकता है। और अभी 8 फरवरी का जो स्टैंप लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का, उसके ऊपर भी बातें आ रही है, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें आ रही है। तो मैं कहता हूं बड़ा कड़ा इम्तिहान है, आज 12 तारीख है, 16 तारीख लास्ट डेट है, इलेक्शन कमीशन शेड्यूल अनाउंस करता है कि नहीं करता है, और 8 फरवरी को इलेक्शन होता है क्यों नहीं होता है, यह भी एक सवालिया निशान है। या खुदा ना खास्ता कहीं ये भी माजी के फैसलों की तरफ तो ना हो जाए, क्या यही वो पंजाब और पुख्तनख्वा के इलेक्शन की तरफ ना हो जाए। सवाल यह है कि हम एक जगह पर स्टैंड ले नहीं पा रहे, हम इस चीज पर खुश होते। आप मुझे बताओ, आज शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का केस चल रहा है, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हमारे कहे तो हमसे अलग हो गए, हमसे तो जुदा कर दिया है। मगर सवाल यह कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने अपनी माथे पे जो दाग लगा है उसको तो धोले, कम से कम उसके लिए भी बड़ी बहस की जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये फैसला हो गया, और भाई आपका फैसला हो गया, पूरे पाकिस्तान कह रहे झूठा केस था, पूरे पाकिस्तान कह रहे कि आपके खुद अपने साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझ पर प्रेशर था मार्शल्ला का, जियाउल्लाह का, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन आप कह रहे नहीं जी, बस एक फैसला हो गया, रिव्यू खत्म हो गया, नहीं, आपको सोचना पड़ेगा, कानून में लचक होता है, कानून जो है ना मुकदमा जिंदा रहता है। उसमें देखिए, कानून को कोई नहीं है, आपके पास वक्त था, आपकी गवर्नमेंट थी, आप उस कानून बना सकते थे कि इस टाइप के केस दोबारा खोले जा सकते हैं। अभी 16 महीनों के अंदर भी आप कानून बना सकते थे, लेकिन आपने बाकी सारे कानून बनाए, एक सवाल वैलिड उठाया। डॉक्टर साहब की तरफ आ रहे थे, मैं वापस आऊंगा डॉक्टर साहब की तरफ आ रहे। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा सर, ये आपके पास सुनहरी मौका है इस वक्त के, इमरान खान साहब जो अपने हथियार डाल के बिला एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं, सियासतदानों के साथ हाथ मिलाएं, बैठें, बैठ के सिस्टम को ठीक कराएं। आप देखिए, इस तरह यह है कि मेरे लिहाज से अगर हम इसको इस तरह करें कि सियासतदान, बाज जगहों पे मेरा थोड़ा सा वो आ जाता है, ठीक है, कि बहुत सारे सियासतदान अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं कि जिनके ऊपर अगर आप उनके केसेस ना करें तो आप उनको पॉलिटिकल रंग देना शुरू कर दे कि भाई ये पॉलिटिकल विच हंटिंग है, तो वो भी गलत होगी, क्योंकि कुछ लोगों ने तो गलत किया है, उन्होंने मतलब ऐसे हैं, अगर आप देख लेना, फॉर एग्जाम्पल आज के दिन अगर मैं सेनेट में आता हूँ, ठीक है, आप मेरे जिस दिन में आया हूं उस दिन देख लें, और उसके बाद मेरा क्या बिजनेस है, मेरे बिजनेस कहां कहां ग्रो किया है, और मैं किन किन सीट्स पर बैठा हूं, तो उसके लिए आप सिस्टम बनाए ना, ये एग्जैक्टली ठीक है, सिस्टम बनना चाहिए एग्जैक्टली। लेकिन इसका ये पहले आप इन सब चीज, तो क्या हमें सियासतदान एज इन पर्सन के साथ मिलना चाहिए, या क्या हमें सियासतदान एज इन इंस्टीट्यूशन, जो सियासत की इंस्टीट्यूशन है उसके साथ मिलकर एक ऐसे डिसीजन लेना चाहिए। आपको ऐसे केस नहीं बनाने चाहिए जो माजी, जो मुस्तकबिल में जाके वो माजी हो जाए और हेरोइन डालनी पड़े। इससे ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे नहीं करने चाहिए, कि अगर कोई फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे देता हूं कि जिस तरीके से जिसने भी इमरान खान को ये मशवरा दिया था, या जब जो उस वक्त के एएनएफ के जो हेड थे उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी,
दो उस वक्त के मिनिस्टर थे उनको उनकी शहरयार अफरीदी उनको उनकी जो वीडियो देखा था कि भाई उन्होंने कहा था ये वीडियो प्रूफ है, वीडियो नहीं देखी थी उन्होंने, उन्होंने कह दिया हमारे पास वीडियो है, जो भी है ना उनको कहा गया होगा ना कि वीडियो है, तो उसको इस तरीके से करके नहीं करना चाहिए था। आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर के सामने हुआ ये देखे ना जो भी है ना राणा साहब ऐसे वे फॉरवर्ड एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें असल चीज ये होगी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। और मैं कादिर साहब की बात से एग्री इसलिए करता हूं कि असल मसला हमारा जो है वो ये है कि हम ऐसे लोगों को ऐसी जगहों पे लगा देते हैं जिनके वो अहल नहीं होते। वो जब वो अहल नहीं होंगे, बहुत सारे जैसे उस्मान बुज़दार वसीम अकरम का नाम भी बदनाम कर दिया, मतलब कमाल कर दिया, उसके अच्छे बने क्रिकेटर की ऐसी कितनी सी फेर दी, यानी किससे क्या मिलाया खान साहब आज वसीम अकरम आज भी कोई आज ना एक मिनट वो उस्मान बुज़दार एक मिनट है आज उस्मान बुज़दार को दो दफा आप चीफ मिनिस्टर बना दे, तीन दफा प्राइम मिनिस्टर बना दे, किसके बराबर आते नहीं, किसके बराबर नहीं, वो बेचारा बोल ही नहीं सका। मैं आपको बताऊं तो वो कौन सा बोल सकता है, वो तीन दफा प्राइम मिनिस्टर के बाद कौन सा बोल सकता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इमरान खान के दौर में जो रिपोर्टें दी और अब भी दी, मजमूई तौर पे करप्शन बड़ी इनके दौर में कम नहीं हुई। हाँ। ये जिस अदलिया की परसेप्शन है तो सारी परसेप्शन ही तो बेच रहे हैं आप, और क्या बेच रहे हैं, रिपोर्ट है सर उसमें सामने आया 139 पे रिपोर्ट नीचे गई, यही हालात थे ना। हम मैं तो इसीलिए कहता हूं जी वे फॉरवर्ड सिर्फ यही है कि आप इलेक्शन कराएं और आपने खुद करने वाला आप और आपके अहले खाना को और किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।